बाइक बिल्कुल कंट्रोल हो गई, ये चेक करो। बहुत सही भाई, बहुत सही। आपको जो ये अपना रियर ब्रेक है भाई, इसके ऊपर से आपको बिल्कुल भी पैर नहीं हटाना है। आज हम बिली मशीन का बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले हैं, हम एक न्यू वाली ट्रिक का यूज करने वाले हैं। रोलिंग में बाइक की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो चेक करो भाई, ये देखो भाई, देखो भाई, बाइक बिल्कुल ही खड़ी हो गई है। उसमें भाई क्रैश का सीन हुआ तो बहुत ही गंदा वाला लॉस होगा और नीरज भाई को भी चोट आ सकती है। ऐसा भी बिगिनर हो, आप लोगों को पता ही है कि जितनी भी बिली उठती है वो सिर्फ और सिर्फ इस ब्रेक से ही कवर होती है। तो भाई ये देखो भाई, ये देखो गाइस, कुछ इसी टाइप से क्रेश होता है। ओ भाई, ओवर हाइट हो गई बाइक, नीरज भाई ब्रेकिंग नहीं कर पाए। गाइस आप चेक करो कि भाई बाइक की टेल पूरी जा चुकी है। वो हेलो गाइस, दिस इज रोहित एंड वेलकम बैक टू द रोहित रैंडम। लास्ट की काफी सारी वीडियो आप लोगों ने चेक की भाई, आप लोगों ने देखा ही व्हीली मशीन से हमने बहुत ही सही व्हीली उठाने की प्रैक्टिस की। काफी सारी वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ कि भाई व्हीली मशीन से नीरज भाई व्हीली पॉप अप करना तो सीख ही चुके हैं, लेकिन गाइस स्टार्टिंग की हमारी कुछ प्रैक्टिस थी उसमें आप लोगों ने चेक किया होगा कि नीरज भाई को बहुत ही गंदी वाली हैबिट लग गई थी व्हीली मशीन से व्हीली उठाने की। उसमें बार बार बाइक पीछे टच हो रही थी, वो जो गंदी वाली हैबिट थी भाई वो लगने के बाद नीरज भाई व्हीली पॉप अप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए गाइस आज हम व्हीली मशीन असेंबल नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस सीन कुछ ऐसा है ना, जब तक व्हीली मशीन रहती है नीरज भाई का कॉन्फिडेंस बहुत ही तगड़ा रहता है, और जैसे ही व्हीली मशीन हम हटा देते हैं तो नीरज भाई का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही गंदा गिर जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में हम फिर से चेक करते हैं कि भाई बिना व्हीली मशीन के नीरज भाई व्हीली उठा पाते हैं या नहीं, और उनका कॉन्फिडेंस बनता है या नहीं व्हीली उठाने में। मैंने काफी बार चेक कर रखा है कि नीरज भाई का बहुत ही सही कॉन्फिडेंस बनता है व्हीली मशीन के साथ, तो लेकिन गाइस आज फिर से चेक करते हैं कि भाई नीरज भाई बिना व्हीली मशीन के कहां तक विली सीख चुके हैं। तो चलिए गाइस आज फोर्थ डे की प्रैक्टिस हमारी बिना विली मशीन के ही चेक करते हैं और देखते हैं कि भाई आज बिना विली मशीन के हमारी किस तरीके की प्रैक्टिस रहने वाली है। तो गाइस नीरज भाई आ चुके हैं बाइक पर, और अभी आप चेक कर सकते हो कि भाई आज हम विली मशीन का बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले हैं। रोलिंग में तो हमने बहुत ही बार ट्राई करी, आज हम रोलिंग में बिल्कुल भी नहीं ट्राई करने वाले हैं। हम एक न्यू वाली ट्रिक का यूज करने वाले हैं। हम जब भी रोलिंग में विली ट्राई करते हैं तो आपको पता है कि भाई रोलिंग में बाइक की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें भाई क्रैश का सीन हुआ तो बहुत ही गंदा वाला लॉस होगा और नीरज भाई को भी चोट आ सकती है। तो इसीलिए गाइस आज हम खड़ी खड़ी बाइक से ही विली पॉप अप करने का ट्राई करेंगे। वो किस तरीके से ट्राई होता है ना, वो आज आपको बताने वाला हूँ। किस तरीके से आप बाइक को कंट्रोल कर सकते हो वो चीज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस देखो भाई, आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, आप बस बाइक पे नॉर्मली बैठ जाओ, अपने सेफ्टी गियर्स पहन लो, और वो पहनने के बाद आपको जो ये अपना रियर ब्रेक है भाई, इसके ऊपर से आपको बिल्कुल भी पैर नहीं हटाना है, क्योंकि गाइस पूरी बाइक कंट्रोल सिर्फ इसी से ही होगी। कैसा भी बिगिनर हो, आप लोगों को पता ही है कि जितनी भी विली उठती है वो सिर्फ और सिर्फ इस ब्रेक से ही कवर होती है। तो गाइस यदि आप विली उठाते हो ना, तो भाई सीन कुछ ऐसा रहने वाला है कि आपको इस ब्रेक पर से पैर बिल्कुल भी नहीं हटाना है। अभी नीरज भाई करके दिखाएंगे तो आप उससे बिल्कुल क्लियरली समझ जाओगे। चलिए गाइस हमारी फर्स्ट वीली उठाने का ट्राई करते हैं, और हमारी वही न्यू वाली ट्रिक से ट्राई करते हैं, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। चलो भाई उठाओ। गाइस देखो भाई, कुछ इस तरीके से आपको वीली उठाना है। आप चेक कर सकते हो कि नीरज भाई बिल्कुल भी ब्रेक पर से पैर नहीं हटाएगा। ये चेक करो भाई, मतलब गाइस देखो, नीरज भाई व्हीली पॉप अप करना तो बहुत ही सही सीख चुका है, लेकिन गाइस नीरज भाई बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा बाइक को। ये चेक करो भाई। तो देखो गाइस सीन यही है, नीरज भाई से जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है बाइक, तो भाई 2 सेकंड के अंदर नीरज भाई ब्रेक पर प्रेस कर देते हैं और बाइक वापस नीचे आ जाती है। देखो भाई कितनी ही नॉर्मली विली उठ रही है, और आप चेक कर सकते हो कि कितनी प्यार से विली ऊपर उठ के आगे जाती है, और इसमें क्रेज का भी चांस ही नहीं है। ये देखो, और गाइस देखो आप, इसमें स्पीड भी ज़्यादा नहीं होती बाइक की, यदि क्रेश होता भी है तो कोई बड़ा क्रेश नहीं होगा। चेक करो भाई, नीरज भाई बिल्कुल भी ब्रेक पर से पैर नहीं हटा रहे, और ये चेक करो भाई, जब भी बाइक ओवर हाइट पर जा रही है ना, तो आप चेक करो भाई नीरज भाई ब्रेक प्रेस करते हैं। ये देखो भाई साहब, मतलब गाइस देखो, यहाँ पर बाइक बिल्कुल ओवर हाइट चली गई थी, लेकिन नीरज भाई ने ब्रेक प्रेस किया और बाइक बिल्कुल कंट्रोल हो गई। ये चेक करो, बहुत सही।
भाई बहुत सही। तो गाइस यदि ये कंट्रोलिंग आपने सीख ली ना भाई, तो फिर आपको बिली सिखाने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई। ये चेक करो, ओ देखो भाई लास्ट वाले शॉट में आपने चेक किया भाई, सीन कुछ ये भी होता है कि जब आप बिली पॉप अप करते हो ना, तो आपको अपना पूरा अलाइनमेंट लेफ्ट साइड ही रखना है। अब गाइस होता क्या है ना, आप लोगों ने लास्ट वाले शॉट में चेक किया कि भाई जब भी हमारी बाइक राइट साइड को झुकती है, तो आपको कवर करने के लिए अपना राइट वाला लेग नीचे जमीन पर टच करना होगा, क्योंकि गाइस आप पैर नीचे टच नहीं करोगे तो भाई साहब बाइक इस तरफ गिर जाएगी। लेकिन गाइस जैसे ही आपने बाइक पे से पैर हटाया, तो आपको पता है कि भाई आपका ब्रेक पे से भी पैर हटना है। उसमें सीन क्या होना है आपने देखा ही लास्ट वाले शॉट में, और नीरज भाई ने बहुत ही सही एक्सीलेटर कवर किया। एक्सीलेटर बहुत ज्यादा तेज होता तो भाई आप लोगों को पता ही है कि नीरज भाई का ब्रेक पे से भी पैर हट चुका था, और बाइक भी ओवर स्पीड में चली जाती तो बहुत ही गंदा क्रैश हो जाता। इसीलिए गाइस यदि आप इस ट्रिक में जब भी व्हीली पॉप अप करने का ट्राई करो, तो भाई आपको अपना अलाइनमेंट सारा लेफ्ट साइड ही रखना है, और बाइक थोड़ी उस तरफ झुका करके रखना है, ताकि आपकी बाइक सिर्फ उसी तरफ झुके और राइट वाला लेग आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग में यूज हो। तो चलिए फिर से ट्राई करते हैं और फिर से देखते हैं कि भाई क्या सीन रहने वाला है। और ये बहुत ही नॉर्मल ट्रिक है भाई, और बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। ये चेक करो भाई, जैसे कि आप लोगों ने देखा बाइक ओवर स्पीड में जाने लगी, तो नीरज भाई ने ब्रेक प्रेस किया, और आप लोगों ने देखा कि भाई बाइक बहुत सही कंट्रोल हो गई थी। ये देखो भाई तो गाइस देखो भाई, इस बार बाइक बिल्कुल ही खड़ी हो गई थी, और नीरज भाई ने कितने प्यार से ब्रेकिंग करके बाइक कंट्रोल की। तो गाइस ये वाली ट्रिक का भाई यही प्रॉफिट है, यही एडवांटेज है। आप चेक कर सकते हो कि जैसे ही बाइक ओवर स्पीड में जाती है, या तो फिर बाइक ओवर हाइट पर जाती है, तो आप उसमें चेक कर सकते हो कि भाई बहुत ही सही और नॉर्मली तरीके से बाइक कवर हो जाती है। तो चेक करो भाई, देखो भाई बाइक बिल्कुल ही खड़ी हो गई है, और आप लोगों ने चेक किया कि भाई नीरज भाई ने बहुत ही प्यार से बाइक कवर की। ये देखो भाई, यहाँ पर चेक करो, ओवर स्पीड हो गई, बाइक बिल्कुल ही खड़ी हो गई, ओवर हाइट पर चली गई, और नीरज भाई का ब्रेक पर से पैर भी हट गया। तो गाइस कुछ इस तरीके से बाइक डैमेज होती है, और कुछ इसी तरीके से बाइक क्रैश होता है, क्योंकि गाइस आप लोगों ने देखा बाइक जैसे ही ओवर हाइट पर गई, और नीरज भाई ने कंट्रोलिंग करने के लिए और कवर करने के लिए कि बाइक नीचे ना गिरे, अपना जो पैर था उसे नीचे कर लिया, और आप लोगों ने देखा ही कि भाई जब तक ब्रेकिंग नहीं हुई तो बाइक फिर ओवर हाइट पर जाकर बिल्कुल ही खड़ी हो गई। तो गाइस कुछ इसी टाइप से क्रैश होता है। अब नीरज भाई को प्रैक्टिस करते करते बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है, तो इसीलिए नीरज भाई बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुए, और उन्होंने एक्सीलेटर भी छोड़ दिया। लेकिन गाइस आप चेक करो कि भाई यहाँ पर यदि एक्सीलेटर बढ़ जाता, तो भाई साहब बहुत ही गंदा वाला क्रैश हो जाता। तो इसीलिए गाइस मेरा यही आप लोगों से कहना है कि भाई सबसे बेस्ट ट्रिक यही है व्हीली उठाने के लिए, व्हीली पॉप अप करने के लिए, और व्हीली सीखने के लिए। इस ट्रिक में भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट भाई, आपको अपना पैर है वो ब्रेक पे से बिल्कुल भी नहीं हटाना है, क्योंकि गाइस आप याले शॉट में चेक कर चुके हो कि भाई बहुत ही गंदा वाला क्रैश हो जाता है, और जब भी बाइक बिल्कुल ही खड़ी हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि भाई अब क्रैश होने वाला है, तो भाई साहब फिर आपका ना तो एक्सीलेटर पे ध्यान रहता है और ना ही ब्रेक पर ध्यान रहता है, तो उसमें बहुत ही गंदा वाला क्रैश हो सकता है। ओ भाई, तो गाइस चेक करो भाई, इस बार ओवर हाइट हो गई बाइक, नीरज भाई ब्रेकिंग नहीं कर पाए, और गाइस जब बिल्कुल ही बाइक खड़ी हो गई, तो नीरज भाई को भाई पैर तो हटाना ही था ब्रेक पर से, और आप लोगों ने चेक किया, नीरज भाई ने जैसे ही ब्रेकिंग पर से पैर हटाया, बाइक बिल्कुल ही खड़ी हो गई। अब गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई हमारी तो ये स्क्रैप वाली बाइक है, तो इसीलिए आप चेक कर सकते हो कि भाई हमको तो कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन गाइस आप चेक करो कि भाई बाइक की टेल पूरी जा चुकी है, वो तो बहुत पहले ही जा चुकी है, लेकिन गाइस जब आप आपकी नॉर्मल बाइक से और स्पोर्ट बाइक से चेक करोगे ना, तो भाई साहब यदि ऐसा सीन बनाना, तो आपको पता है कि आपकी टेल तो जाना ही है। सो गाइस आज की वीडियो आप लोगों ने चेक की ही, आज भी हमने बहुत ही सही प्रैक्टिस की। जैसा कि गाइस मैंने आपको बोला था कि व्हीली मशीन लगाने के बाद बहुत ही गंदी वाली हैबिट बन जाती है, जब आप व्हीली मशीन पीछे लगा लेते हो तो बाइक बार बार पीछे टच होती है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो आ जाता है, लेकिन गाइस जब आप व्हीली मशीन हटाते हो तो बहुत ही गंदा वाला सीन बनता है। तो आज की आपने बिना व्हीली मशीन लगी हुई वीडियो चेक की, और उसमें देखा नीरज भाई ने बहुत ही सही तरीके से व्हीली पॉप अप करी, और बहुत ही सही तरीके से कंट्रोलिंग की। तो गाइस आज की वीडियो और आज की ट्रिक से आपको समझ आया होगा कि भाई जब आप व्हीली में बिगिनर हो और आप पहले व्हीली सीखना चाह रहे हो, और आज तक आपने व्हीली ट्राई नहीं किया है, तो भाई आप इस ट्रिक से बहुत ही सही तरीके से व्हीली ट्राई कर सकते हो। इस ट्रिक में आपका क्रेज भी नहीं होगा, और आप बहुत ही जल्दी व्हीली कंट्रोल करना सीखोगे। तो गाइस आई होप ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और इस ट्रिक से और हमारी वीडियो देख के और नीरज भाई की प्रैक्टिस देख के आप भी व्हीली जल्द से जल्द सीख सके। तो चलिए गाइस इस
वीडियो को भी एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me